For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from top news. स्टार प्लस के नामी शो नामकरण से अब आ रही एक बहुत ही बड़ी खबर, जहां शो में दिखाया जा रहा है नील अवनी और जूही का इतना तमाशा, तो इसी बीच अब हो चुकी है एक नए शख्स की एंट्री। लेकिन इससे पहले कि हम आपको इस बड़ी खबर के बारे में बताएं, उससे पहले बात कर लें सीरियल की रिसेंट ट्रैक की, जहां आपने देखा कि अवनी सभी बच्चों से मिल रही होती है और जूही को पिक्चर सेंड कर रही होती है। लेकिन तब भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाती कि आखिरकार जूही का बच्चा कौन सा है और वो खाली हाथ वापस खन्ना हाउस लौट आते हैं। वहीं अवनी और नील की एनिवर्सरी सेरेमनी चल रही होती है, जहाँ नील को डीडी का फोन आता है और वो जूही के बारे में उसे बताता है कि उसने अपनी नस काट ली और वो हॉस्पिटल में है। जिसके बाद नील सब छोड़ छाड़ कर फौरन भाग जाता है हॉस्पिटल, जिसके बाद ये देख अवनी का दिल बिल्कुल चूर चूर हो जाता है। और वहीं नील जाकर मिलता है जूही से, जिसके बाद वापस आने के बाद श्वेता उस पर भड़क जाती है। चलिए अब आप सब कमिंग ट्रैक की बात कर लें। जैसा कि जब नील हॉस्पिटल से वापस आता है तो आपने देखा कि कैसे श्वेता उस पर भड़क जाती है कि वो फंक्शन को ऐसे छोड़ कर क्यों भाग गया था। लेकिन अब हम लेकर आए हैं श्वेता से जुड़ी एक खास खबर। आपको बता दें कि श्वेता कर रही है ढोंग और वो अवनी के सामने बस अच्छा बनने का नाटक कर रही है, हालांकि वो नील और अवनी की बर्बादी ही चाहती है। फिलहाल के लिए हमारी स्टोरी में बस इतना ही। फॉर मोर बॉलीवुड एंड टेली गॉसिप्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से रवि की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।